नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफ स्टडी चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। एक बार से सबसे पहला काम जो होता है, क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स पे आप एडेड हैं, जस्ट डू शेयर इट वंस। सब जगह पे एक बारी से शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अकेडमी पे आपके दो क्लासेस रहते हैं। एक क्लास है आपका वर्ल्ड मैपिंग का, सुबह 10:15, दूसरा क्लास है शाम को 4 बजे का, जहाँ पे आपका जीके का काउंटडाउन सीरीज चल रही है। क्योंकि बी फोकस दोनों क्लासेस 30-30 मिनट के होते हैं, ताकि आपके टाइम के साथ में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो दोनों क्लासेस को ज्वाइन किया करिए, फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, देख रहे हो, समझ गए ना कि किसके बारे में न्यूज आ रही। बड़े दिनों बाद यहाँ पे यूपी की कुछ न्यूज आई है। ठीक है, सवाल में कहा जा रहा है, पंचमृत योजना कौन से राज्य ने लॉन्च करी है। ओहो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यूपी इज इन द न्यूज, है ना। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कि एक योजना लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है, पंचमृत योजना। अब ये योजना क्या है, सीधे शब्दों में पहले तो इस योजना को समझ लो। इस योजना के अंदर बोला गया है, जो किसानों की आय होती है, जो फार्मर्स की इनकम होती है, उसको डबल करने की जिम्मेदारी जो है, अब वो राज्य सरकारों ने ले ली है। ठीक, हर जगह पे ऐसा बोला जा रहा था, लेकिन यूपी ने बोला है कुछ और। यूपी ने कहा है कि हमारे यहाँ पर जो राज्य सरकार है, उन्होंने पूरी पूरी जिम्मेदारी ली है, और उसके लिए वो काम भी करेंगे, ताकि किसान जो है, हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं, उनकी जो इनकम है वो डबल हो सके। और डबल करने के लिए इन्होंने अपना जो टारगेट रखा है, वो रखा है 2028। क्या रखा है, 2028 इन्होंने अपना टारगेट रखा हुआ है। अच्छा हाँ, ये एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉमनवेल्थ गेम्स जो आप लोग बच्चा पार्टी जो मैसेज कर रहे हो कि सारे मेडल्स एक साथ पढ़ा दें, तो ये मैंने ऑलरेडी शेड्यूल कर दिया है। 11 तारीख को आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया, वो 11 तारीख को आपको मिल जाएगा। सिर्फ 10 मिनट का होगा, आई थिंक उतने में आपके सारे मेडल्स आ जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है अपने काम के। ऑलराइट, अब आप सोचेंगे मैम दिस इज अबाउट यूपी, है ना, मैम व्हाट अबाउट इंडिया। देखो, इंडिया ने भी बोला था, अपने यहाँ पे एक स्कीम लॉन्च की, जिसके अंदर इंडिया ने बोला था कि हम क्या करेंगे, किसानों की जो आय है उसको दोगुना करेंगे। और दोगुना करने के लिए इंडिया ने जो अपना टारगेट रखा था, वो था 2022 का। ठीक है, लेकिन ये पूरा ना हो सका। अब केंद्र सरकार ने अपने इस टारगेट को 2024 कर दिया। तो जब केंद्र सरकार ने टारगेट इतना किया है, तो इनको तो टारगेट सेट करना बनता ही था ना, तो इन्होंने अपना टारगेट सेट किया है 2028। चलिए जरा जानते हैं इस पूरी जानकारी को कि यहाँ पर कहा क्या गया है। ये पर्टिकुलर योजना आई है, इसको लॉन्च किया है यूपी के सीएम यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जो अभी हाल ही में एक बार फिर से सीएम के रूप में, योगी जी जो है एक बार फिर से सीएम के रूप में अपॉइंट किए गए। यहाँ पर इस योजना का गोल क्या है, पहला गोल तो ये है कि किसानों की जो इनकम है उसे क्या करेंगे, डबल, कब तक, 2028 तक। दूसरा पॉइंट बोला गया है यहाँ पर कि जो शुगर केन होता है, यानी कि गन्ना जो होता है, उसकी जो कॉस्ट आती है, गन्ने की खेती करने के लिए जो पैसा लगता है, उस कॉस्ट को भी क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। क्यों, क्योंकि गन्ने की जो खेती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, यूपी के अंदर होती है। कहाँ होती है, यूपी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो उत्पादन है, उसको भी हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। फिर बोला गया है कि जो मृदा होती है, जो सॉइल होती है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने के लिए हम काम करेंगे। तो ये सारी बातें जो हैं इस योजना के अंदर बोली गई हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो बस ये याद रखिएगा कि किसानों की आय को क्या करना है, दोगुना करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब आप बोलेंगे कि मैम दोगुना करने के लिए चलो ये लॉन्च तो कर दिया गया, लेकिन इसमें फिर करेंगे कैसे, मतलब दोगुना कैसे किया जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम अलग अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग टेक्निक की सहायता से हम जो इनकम है उसको डबल करेंगे, जिसके अंदर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वो है ड्रिप इरिगेशन। क्या है, ड्रिप इरिगेशन। ये जो ड्रिप इरिगेशन है, इसके लिए इंडिया ने MOU साइन किया हुआ है ऑलरेडी, किसके साथ में, इसराइल के साथ में। कह रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन जो है वो किया जाएगा यहाँ पर, और इसके लिए जैसे इसराइल के साथ में इंडिया ने टाई अप किया, हम भी कुछ उसी तरीके से करने वाले हैं। वैसे तो अगर देखा जाए कि यूपी को वाटर मैनेजमेंट के लिए भी अवार्ड मिला हुआ है, यूपी ने सबसे बेस्ट तरीके से वाटर मैनेजमेंट किया था, जिसका अवार्ड इनको मिला था,
लेकिन जितने भी ऐसे किसान होंगे जो इस योजना के अंदर सबसे अच्छा काम करेंगे उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। जो भी किसान इस योजना के अंदर अच्छा काम करेंगे तो उनको अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड का नाम रखा गया है उत्तम शुगर केन फार्मर अवार्ड। क्या नाम है? उत्तम शुगर केन फार्मर, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, शुगर केन है, फार्मर अवार्ड। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये अवार्ड भी दिया जाएगा। चलिए, तो ये तो बात हो गई इस योजना के बारे में, जितनी बातें थी मैंने आपको बता दी। अब जरा यूपी के बारे में एक आध बातें जो है सुन लीजिए। वैसे मैं क्या बताऊं, तुम तो खुद ही जानते हो यूपी के बारे में। ऑलराइट, पहला पॉइंट, कैपिटल हम सभी लोग जानते हैं लखनऊ है। कौन सी नदी के किनारे पर है? गोमती के किनारे पर है। गोमती जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। यहीं पर क्या आने वाला है? काश ये आ जाता तो हम जा ही रहे थे, घूम ही लेते और तुम लोगों को भी घुमा देते, है ना। आईएनएस गोमती जो है, आईएनएस गोमती जो है वो आपको क्या मिलेगा? इसी के किनारे पर देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। दूसरा पॉइंट जो यहाँ से निकल के आएगा, यूपी इसका जो फॉर्मेशन है या जो इसका हैप्पी वाला बर्थडे है ये 24 जनवरी 1950 को होता है। यूपी से सबसे ज्यादा आपको विधानसभा सीटें और विधान परिषद सीटें, उसके बाद लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। यहाँ का स्टेट बर्ड जो है वो क्या है? वो है क्रेन, यानी कि सारस है। अगर पूछा जाए फ्लावर कौन सा है, पलाश हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ट्री, स्टेट ट्री कौन सा है, तो अशोक ट्री हो जाएगा। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा एनिमल, तो वो क्या है? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाएगा कि सबसे पहले यहाँ पे सीएम कौन थे, तो यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा आंसर मार्क करके आता है कृपलानी। बेटा वो जो कृपलानी थी वो आंटी जी थी, ठीक है, यानी कि वो फीमेल थी। मैंने आपको कहीं पर भी नहीं पूछा है कि फीमेल बताओ या मेल बताओ, मैंने सीधा सीधा सवाल किया है फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ। दिव्या ने पूरी कहानी बता दी है ना। अगला पॉइंट सुनिएगा, पैरा बैडमिंटन के लिए जो सेंटर खोला जाएगा वो कहाँ होगा? वो भी लखनऊ के अंदर होगा। इसके अलावा ब्रह्मोस के लिए भी एक सेंटर जो है वो भी खोला जाएगा, वो भी कहाँ? यहीं पर लखनऊ के अंदर ही आपको मिलने वाला है। शीतल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, कहाँ रह गए? गोविंद वल्लभ पंत। ओके, गोविंद वल्लभ पंत, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको ये पता है यूपी की जो कैपिटल है आज के टाइम में जो हम लखनऊ देखते हैं, ये डायरेक्टली लखनऊ नहीं थी, पहले आगरा थी, आगरा के बाद में प्रयागराज हुई, उसके बाद में लखनऊ कुछ टाइम के लिए बनाया गया, और फिर आखिरी में जाके एक बार फिर से जो लखनऊ है उसको यहाँ पर बनाया गया एज अ कैपिटल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलो, ये तो तुम लोगों ने सब बातें बता ली। यूपी आता है तो तुम लोग का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है ना। चलिए, अब बताइएगा यहाँ पर ये कौन है? ये है पुष्कर सिंह धामी, यानी कि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के अंदर बनाए जाएंगे क्या? संस्कृत विलेजेस। क्या बनेंगे? संस्कृत विलेजेस बनाए जाएंगे। और कितने डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएंगे? 13 जिलों में इसको बनाया जाएगा। एक और मजेदार बात सुनिएगा, उत्तराखंड के अंदर बनाया जाएगा मोदी सर्किट। क्या बनाया जाएगा? मोदी सर्किट। आप कहेंगे है मैम है, सुनो, जी हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे आप आज के टाइम पे राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये जो राम गंगा नेशनल पार्क है, यहीं पर आपको अगर याद हो तो 2019 की बात है। कब की बात है? 2019 की बात है। 2019 में एक शो आया था, मैन वर्सेस वाइल्ड, याद आया? मैन वर्सेस वाइल्ड, जिसके अंदर मोदी जी गए थे जंगल की यात्रा पे, और वो जंगल कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और ये जो जंगल की यात्रा पे गए थे किसके साथ में गए थे? बियर्स, बियर ग्रिल के साथ इन्होंने वहां पर यात्रा की थी। और मजेदार बात तो ये थी कि इन्होंने पूरे जंगल को घूमा था, समझ रहे हो, पूरे जंगल को घूमा था, छोटी मोटी बात ना है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बनाया जा रहा है क्या, एक सर्किट जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और ये जो सर्किट यहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाएगा वो भी ध्यान रखिएगा। हाँ, साई इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती, साई इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोमती। कमेंट जो है, कमेंट लैपटॉप पे चल रहे हैं तो मेरी नजरें फोन पे नहीं है, ठीक है, कुछ बच्चे, चलो अच्छा कोई ना। चलिए, तो ये ध्यान रखना भैया, सर्किट बनाया जाएगा कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्किट इसको बनाया जाने वाला है, तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में कहीं रखे। हाँ भैया, ये देखिए, इंडिया के अंदर तो है, लेकिन साथ ही साथ में वर्ल्ड के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग वाला सोलर प्लांट बनाया जाएगा ये नर्मदा नदी के ऊपर ओमकारेश्वर डैम के ऊपर बनाया जाएगा। एमपी में कौन सी वाली जगह है जहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा?
तो खंडवा कौन सी जगह है? खंडवा नाम की जगह है जहां पे इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। अगला सुनिएगा, ये कौन सी चीज है भाई? केरला। क्या है? केरला। मैंने आपको कहा था कि जितने भी आंगनवाड़ी हैं वहां पे जो बच्चे रहते हैं, इन बच्चों को क्या होगा, जो जैसे मिड डे मील होता है वैसे इन बच्चों को खाना तो दिया जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, एग और मिल्क, इन दोनों को इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रेकफास्ट और लंच मिड डे मील योजना के अंदर सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुआ? तमिलनाडु के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। अगला, ओहो, वेस्ट बंगाल चलेंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी हो चुकी हैं? तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं कितनी? 30। ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है वो गवर्नर कौन है? ला गणेशन जी हैं। ध्यान रखिएगा उनके पास में मणिपुर स्टेट भी है, और यहाँ के जो गवर्नर थे यानी कि धनकर जी जो थे वो अब बन चुके हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट, और कल उनका शपथ समारोह भी हो जाएगा। अगला अगला है, गुजरात ने लॉन्च किया था सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ये 5 सालों के लिए लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर जॉब क्रिएशन भी किया जाएगा, जिसमें इसकी पीडीएफ और क्लासेस के जो लिंक है वो यहाँ पर मिलते हैं। आपके 2 स्पेशल क्लास आज भी रहेंगे, क्योंकि 60 मिनट की जो लिमिट है वो खत्म हो चुकी है। एक क्लास आपका 10:15 है मैपिंग का, और दूसरा क्लास शाम को 4 बजे है ग्रुप डी का मॉडल पेपर। ठीक है, दोनों क्लासेस आपको मिलेंगे, तो दोनों क्लासेस अनअकैडमी पे रहेंगे, उसे स्किप मत करिएगा। और हाँ भाई, आपके लिए एक बार फिर से अनअकैडमी का जो ऑफर है वो वापस आ चुका है। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि मैम ये वापस आएगा क्या, तो ये 12 तारीख तक के लिए वापस आ गया है, जिसके अंदर जो बैचेस के अमाउंट है वो ऑलरेडी यहाँ पे 20%, 35%, 41% तक डिक्रीज किए गए, और जब आप यहाँ पे कोड लगाओगे प्रति 10, तो ये अमाउंट आपका 10% और कम हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला के आप करीबन 51% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेल कर रहे हैं। और साथ में अगर आप 1 साल के लिए ज्वाइन करते हो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और अगर आप 2 साल के लिए ज्वाइन करते हो तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। 12 तारीख तक ही ये वैलिड है, तो अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं या अगले से अगले साल की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, रेलवे है, SSC है, NDA, CDS, State PSC, एनी एग्जामिनेशन, तो बेसिक्स के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दिस इज अ टाइम, अब आपका जो अगला पेपर आएगा वो SSC ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का बैच स्टार्ट हुआ है, अगला नया बैच आपका 20 तारीख से होगा, जहां पे आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 10th of August के बाद में प्राइस हाइक जो है वो हो जाएगा, तो आप उससे पहले यानी कि 12 तारीख तक तो ज्वाइन कर ही लेना। ठीक, दूसरी चीज, मिशन SSC विद अनअकैडमी, ये भी लॉन्च हुआ है। सुपर वीकेंड आप लोगों का था 6 और 7 को, जहाँ पे आप लोगों के काफी सारे क्लासेस भी रहे होंगे, और जब आप पेड बैचेस को ज्वाइन करेंगे तो आप किसी भी एजुकेटर के किसी भी क्लास को अटेंड कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, जिसमें आपको GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग ये सब मिलेगा। आप अपना सवाल भी पूछ सकते हो और आइकॉनिक फीचर्स भी आपको मिलते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए कोड क्या है? प्रतिदिन क्लास खत्म होने के बाद में आपको हम लिंक शेयर कर देंगे, सो दैट आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन जो है ये भी आपको मिलता है विद अ कोड प्रतिदिन, रिपोर्ट एंड विन इज ऑल्सो अवेलेबल। चलो, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।